ने अपनी मांगों को लेकर आज सांसद आवास के बाहर धरना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हमने बनाई है और आज हम लोग ही बेघर होने की कगार पर हैं, तो हमारी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है। सांसद आवास पर धरना दे रहे किसानों के साथ किसान नेता गौरीशंकर बिदुआ ने बताया कि हम लोग पिछले 5 महीने से अधिक झांसी के कचहरी चौराहे पर धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक मांग पूरी नहीं की गई, जिसके बाद आज हम लोगों ने अपने सांसद की शरण ली है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक वह धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि किसानों की काफी दिनों से समस्याएं चल रही थी, जिसको लेकर वह आज ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें किसानों की कुछ जायज मांगों को सामने रखा गया और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया गया। क्यों धरने बैठे आप सांसद जी? धरने पे नहीं, हम लोग आए हैं अपने सांसद जी को अपनी व्यथा सुनाने। 5.5 महीने से हम लोग आंदोलित हैं कचहरी चौराहे पर, गांधी उद्यान में हम लोग बैठे हुए हैं। जो हमारी समस्याएं हैं, और समस्याएं इतनी बड़ी हैं, इतनी विकराल हैं कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो गांव के गांव मर जाएंगे। हम लोगों ने जिला प्रशासन को सुना लिया, मंडल प्रशासन को सुना लिया, सिंचाई विभाग को कई बार सुना लिया, कई बार मीटिंगें हुई, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये काम नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि सांसद हमारे हैं, सरकार हमारी है, हमने सांसद बनाए, हमने विधायक बनाए, हमने सरकार बनाई है, तो हमारा इन सरकारों पर, विधायक जी पर और सांसद जी पर हमारा अधिकार है। हम अपने सांसद को अपनी व्यथा सुनाने के लिए आए हैं कि इसी दिन के लिए हमने सांसद बनाया था आपको, कि जब हम लोगों के ऊपर मुसीबत आएगी तो हमें आपको, हमें हमारा साथ देना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ आ गए हैं, सांसद जी अभी हैं नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग है जो हमारे बचेरा गांव के 20 बालिक परिवार छूट गए हैं, 5 साल से हम लोग मांग रहे हैं, उनको अनुकंपा राशि नहीं दी जा रही है। जो पथरई बांध है उसके गेट के ठीक सामने एक गाँव चढ़रऊ धवारी है, उस चढ़रऊ धवारी में जब भी गेट खुलते हैं तो पूरे गाँव में पानी भर जाता है, जब भी बारिश होगी हमारा पूरा गाँव बह जाएगा, हम उसको विस्थापन की मांग कर रहे हैं। उसी बांध के, पथरई बांध के पीछे वाले छोर पे एक पाल मोहल्ला है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, टापू बना हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि साहब उसकी वो ऊंचाई है, अगर ऊंचाई है अगर तो टापू, तो हम टापू पे क्या चारों तरफ से घिर के रह लेंगे? वहाँ जीना संभव नहीं है। हम यहाँ जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, 5.5 महीने वहाँ हो गए हैं, अब हमारे, हम अपने घर पर आए हैं, हम अपने सांसद के यहाँ आए हैं, इनकी जिम्मेवारी है कि हमारी मांगों को पूरा कराएं, जब तक नहीं कराएंगे जब तक हम यहीं बैठे। किसान आपके घर पे धरना दिया, क्या करते हैं? किसानों की बेचारों की बहुत दिन से समस्या चल रही थी, तो कुछ विभाग वालों ने इनको नज़रअंदाज कर रखा था, तो ये ज्ञापन देने आए थे, धरना नहीं था, मेरे को ज्ञापन देने आए थे, मैं बैठा हुआ था इनके साथ में, तो इन्होंने जो इनकी बहुत जायज़ मांगे हैं उस पर इन्होंने कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखी है, तो वो सुनना था वो सुन लिया गया। डिपार्टमेंट के आज एक्सीएम साहब भी यहाँ पे थे, तो उनसे भी मेरी थोड़ी विस्तार में बात हो गई, और क्योंकि ये सब मेरे भाई हैं, भैया मेरे सब चुनाव में लगे रहे, तो इन सब से मैंने आग्रह करा कि इसके हम निस्तारण निकालते हैं, इसका कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। सलूशन निकालने के लिए ही हमने सारे अधिकारियों को एक बार बुलाकर एक साथ बैठ जाएंगे, एक साथ बैठ के कोई ना कोई हल निकाल कर मैं अपने भाइयों को दुखी नहीं जाता। आपको लग रहा है कि विभागीय लापरवाही इसमें परिलक्षित हो रही है? मेरे ख्याल से 2001 का मामला है ये, अब उस चीज़ को 20 साल से ऊपर हो गए, 21 साल हो गए, उस समय कुछ गलतियाँ हुई हैं, अब किसने करी क्या करी अब उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, तो उन गलतियों को हमको सुधारने की ज़रूरत है, तो अब उसमें से किस स्वरूप से सुधरेंगी वो तो जब सबके साथ बैठेंगे तब पता चलेगा, तो उसको मैं दिखवा लेता। झांसी से हर्षदीप अरोड़ा के साथ आरन शर्मा की रिपोर्ट।